हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शंस केसेस मल्टीप्लिकेशन वाले दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आज के वीडियो में बड़े इजी तरीके से सीखेंगे। एंड तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है, 2/3 फ्रैक्शन है मान लीजिए, एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1/3। बहुत सिंपल एग्जाम्पल ही है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमेशा सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, जो ऊपर न्यूमरेटर्स है ना, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट मीन्स दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 3, एंड आवर आंसर विल बी 2/9। देखो बिल्कुल सिंपल है, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अब आगे देखिएगा, बहुत एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें रूल तो ये सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन इसी रूल को जब बड़ी वैल्यूज में लगाएंगे तो मुश्किल आ जाती है। ठीक है, पहले तो ये याद रख लीजिए कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इसमें मुझे नहीं लगता और एग्जांपल की भी जरूरत है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, देखिए 16/32, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वैल्यू, मल्टीप्लाई 4/3, मान लीजिए ये कर दिया हमने। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, यूजली बच्चे जो करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और ठीक भी होता है, लाइक 16/4 = 64, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो अपना आंसर देख लो 64/96 आ जाएगा। अब 64/96, अब देखो इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ना बच्चे को फिर मेहनत करनी पड़ती है, और यहां पर आके फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है भी किसके साथ डिवाइड करें। इवन दो यहां पर कोई मुश्किल काम नहीं है, 32 से ही भी डिवाइड होता है वैसे। अब देखो ना, 2 से शुरू कर सकता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 32 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, जिससे मर्जी डिवाइड करे। अगर डिवाइड करना आता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए ना, जैसे इसको करूंगा तो ये काट के 2/3 बनेगा, लेकिन इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने में क्यों मेहनत करनी, जब मेरे पास इसी का यहां पर शॉर्टकट मेथड भी है, बिल्कुल ठीक भी है। कैसे, यहां पर कर सकते हैं ना, ये ऊपर 16 नीचे 32, उससे तो छोटी वैल्यू बन रही है, 20 तक तो हम वैसे ही टेबल याद करने को बोलते हैं, तो 16 के टेबल में 32 आता है, सीधा क्लियर है। तो आप 16 से भी काट सकते हैं, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32। अब नीचे 2 इधर 4, पहले क्या करो, ये 1/2 है, वैसे तो आप सीधा काट सकते हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो बस इसी को रिड्यूस किया, दोबारा लिख लो कि जी 1/2 × 4/3 है, थोड़ा आसान करके लिख लिया। जब इसको आपने थोड़ा आसान करके लिख लिया, तो अब देखो जरूरी नहीं होता कि आपने ऊपर नीचे सिंगल जो फ्रैक्शन है उसी को ही आपने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। जब प्रोडक्ट चल रही है तो आप इस 2 से इस 4 को भी काट सकते हो। कैसे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब देखो ये तो 1/1 ही रह गया, 1 के साथ 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2/3 आता है। जबकि यहां पर मुझे बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहां पर इजी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और ये सेम रूल सिर्फ 2 फ्रैक्शंस के लिए नहीं, 3 फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट हो, 4 के प्रोडक्ट हो, हर बार सेम ही रूल लगेगा। अभी आप ध्यान से देखिएगा, एक तो क्वेश्चंस और करते हैं ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, कोई भी एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 40/16 मल्टीप्लाई 9/18, मान लीजिए, चलो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कितने ही तरीके इसको करने के, डायरेक्ट मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे, कहां 16 को 18 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम,
तो करेंगे क्या, पहले इनको लोएस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 9 ones are 9, 9 times 2 is 18, और इधर से ये 16 और 14 8 के टेबल पे डिवाइड होता है, 8 के टेबल पे काट दीजिए, 8 times 2 is 16, 8 times 5 is 40। अब देखो बना क्या, ऊपर 5 नीचे 2, 5 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 2, दैट मीन्स 5 by 4, तो इसका आंसर 5 by 4 आता है। अगर आप प्रोडक्ट करके उसको पहले लिखते फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आते गलती के चांस भी ज़्यादा थे। ठीक है, सिर्फ ये इसी तरह से नहीं, अब जैसे ये 40 by 16 यहाँ है, 9 by 18 यहाँ है, ये इंटरचेंज भी होती है, आंसर तब भी सेम आता है। इंटरचेंज का मतलब, मान लो ये 9 इधर होता, 40 इधर होता, मान लो ये 9 by 16 होता और इधर 40 by 18 होता, तो मैंने पहले ही कहा था ना इसके रूल्स में क्या होता है, जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे काटना है, क्रॉस में भी काट सकते हो, कैलकुलेशन सेम ही रखेंगे। मैं अभी भी यही करूंगा, 9 ones are 9, 9 twos are 18, और इधर से 8 के टेबल में 8 twos are 16, 8 fives are 40, आंसर मेरा अभी भी 5 by 4, क्यों, नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। इजी हो जाती हैं कैलकुलेशंस। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3 फ्रैक्शंस होंगी और उसमें हम समझ के देखते हैं, आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये, 10 over 21 multiply 7 over 50 multiply 5 over 14। अब मान लो 3 की प्रोडक्ट आ गई, अब सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर को कर सकते हो, फ्रैक्शन बन जाएगी, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना, जबकि अब यहां पर एक बात नोट करना, जरूरी नहीं कि 21 और 7 को काटना है, आपकी इच्छा है, अगर बाई चांस ये नंबर इसके साथ कटता हो तो काट सकते हो, जैसे 2 पे कटता है ना, 2 5s are 10, 2 7s are 14, तो फर्स्ट और लास्ट वाले के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी काट सकते हो। हाँ, लेकिन जहां आपको लगे कैलकुलेशन इजी है तो उसी तरह से करनी है। जैसे यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन इजी की बात करूं तो मुझे इजी कहां लग रहा है, ये 7 से 7 ones are 7 और इधर देखो 7 times 2 is 14, मैंने इस 7 के साथ इस 14 को काट दिया। आप गौर से देखोगे यहां 1 है, यहां पर 2 है, इजी हो गई ना, ये 10 और ये 5, 10 ones are 10, 10 fives are 50, 0 से 0 काटना भी बोल देते हैं तो 5 रह जाएगा, एक ही बात है। अब देखो मेरे पास क्या बचा, यहां पर 5 है, यहां 5 है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बस सीधा 5 से 5 हम काट देते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इनिशियली करते हैं कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम इसका एक स्टेप स्पेशली लिख लेते हैं कि जी अब ये 1 by 21 बन गया और ये 1 by 5 बन गया और ये 5 by 2 बन गया, जो मतलब बन चुका है वो लिख दिया। अब इस 5 से ये 5 कट गया, 5 ones are 5, 5 ones are 5, अब क्या बना फाइनली, 1 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही बनेगा। नीचे 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 42, ये तो 1 ही है सेंटर में, तो 1 by 42 आंसर होगा। तो देखा आपने कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इजी है। नॉर्मली जो रूल पढ़ाया जाता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो, सही है, लेकिन बाद में जब लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ता है ना तो उसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो अगर इस तरीके से सिखा दिया जाए कि आप पहले ही लोएस्ट फॉर्म बना दो, जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे, आप क्रॉस में भी, पहले को लास्ट से भी, किसी को किसी से भी काट सकते हो, जब वो लोएस्ट फॉर्म में आप पहले बना दोगे ना तो फाइनल आंसर ही लोएस्ट फॉर्म में आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप फ्रैक्शंस की मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गई होगी और ये वीडियो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और लगता है कि सबके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।